नमस्कार, खबर दुनिया में आज देखेंगे रोहिंग्याओं पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच संभावित बातचीत पर मंडराया खतरा। स्वीडन ने नागरिकों को दी युद्ध पुस्तिका और ओबामा दंपत्ति उतरे एंटरटेनमेंट की दुनिया में। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में बात करेंगे पाकिस्तान में लड़के लड़कियों के लिए अजीबोगरीब फरमान की और भी बहुत कुछ। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्व मित्रा। म्यांमार के रखाइन प्रांत से रोहिंग्या मुसलमान पलायन कर इधर उधर शरण लेने को मजबूर हैं। यहां की सेना और पुलिस बल पर आरोप लगता रहा कि उसकी प्रताड़ना के कारण रोहिंग्या मुसलमान अपनी जमीन से उखड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बने। लेकिन अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जो रोहिंग्या मुसलमानों पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाती है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रोहिंग्या सरकार पर एक रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक रोहिंग्या आतंकवादियों ने पिछले साल म्यांमार के रखाइन प्रांत में हुई हिंसा में हिंदू ग्रामीणों का नरसंहार किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि 25 अगस्त 2017 को रोहिंग्या आतंकियों ने यह नरसंहार किया। इसी दिन रोहिंग्या आतंकियों ने पुलिस नाकों पर भी हमला किया। जवाबी कार्रवाई में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या विद्रोहियों के ठिकानों पर छापे मारे जिसके चलते करीब 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से भागना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार सेना की कार्रवाई को जातीय हिंसा करार दिया था। सैनिकों और हिंसक भीड़ पर नागरिकों की हत्या और गांवों को जलाने का आरोप भी लगा था। लेकिन एमनेस्टी की यह रिपोर्ट तो रोहिंग्या मुसलमानों पर ही उत्पीड़न का आरोप लगाती है। इसमें रखाइन के इलाके में हिंदुओं के जनसंहार की बात भी शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश और रखाइन में किए गए साक्षात्कारों के आधार पर यह पाया कि अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी यानी आरसा ने एक या शायद दो नरसंहारों को अंजाम दिया जिसमें हिंदू नागरिकों को मार डाला गया। हालांकि आरसा ने इस तरह के किसी हमले को अंजाम देने से इनकार किया है। गौरतलब है कि सितंबर 2017 में बड़े स्तर पर रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश आए। उन्होंने म्यांमार के सुरक्षा बलों के अत्याचार की बात भी की थी। यह वही समय था जब म्यांमार की सरकार ने एक सामूहिक कब्र मिलने का दावा किया था। रोहिंग्या मामले पर म्यांमार सरकार की दुनिया भर में आलोचना होती रही है, लेकिन म्यांमार सरकार रोहिंग्या लोगों के खिलाफ किसी भी भेदभाव और हिंसा से इनकार करती रही है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने पर कि आरसा ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, मामला और पेचीदा हो गया है। दोनों पक्षों के अपने तर्क, अपने दावे और अपनी सफाई है, लेकिन इसमें मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है उस पर दोनों ही पक्षों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अपने अपने जिद पर अड़े रहने का एक उदाहरण अमेरिका और उत्तर कोरिया भी पेश कर रहे हैं जिनकी संभावित बातचीत अहंकार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगले सप्ताह साफ हो जाएगा कि सिंगापुर में 12 जून को उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के साथ बहुप्रतीक्षित बैठक तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी या स्थगित हो जाएगी। उन्होंने कहा, जो भी होगा हमें अगले सप्ताह पता चल जाएगा। यदि बैठक तय समय पर होती है तो मुझे लगता है यह उत्तर कोरिया के लिए सही होगा। गौरतलब है कि ट्रंप ने 2 सप्ताह पहले ऐलान किया था कि किम जोंग के साथ ऐतिहासिक बैठक 12 जून को सिंगापुर में होनी तय हुई है, लेकिन पिछले सप्ताह प्योंगयांग की इसे रद्द करने की धमकी के बाद इस मुलाकात पर संशय के बादल मंडराने लगे। किम जोंग उन ने एक तरफा परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से जोर दिए जाने पर इस बैठक को रद्द करने की धमकी दी थी। इधर उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री चो सुन हुई ने कहा कि यदि अमेरिका अपनी अनैतिक और अपमानजनक गतिविधियों में संलिप्त रहा तो वह वॉशिंगटन के साथ द्विपक्षीय बैठक पर दोबारा विचार करेगा। चो ने कहा, अमेरिका हमसे बैठक कक्ष में मिलेगा या परमाणु मुकाबला करेगा, यह पूरी तरह से अमेरिका के रुख पर निर्भर करेगा। यदि अमेरिका हमारी सद्भावना का अपमान करता है और अपने अनैतिक और अपमानजनक कृत्यों से जुड़ा रहता है तो मैं अपने सर्वोच्च नेता के समक्ष इस सम्मेलन पर दोबारा विचार करने का सुझाव रखूंगी। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और ट्रंप की मंगलवार को वॉशिंगटन में मुलाकात के बाद उत्तर कोरिया की ओर से यह धमकी आई है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका द्वारा एक तरफा परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए बाध्य करने की आलोचना की है। ट्रंप प्रशासन अपने रुख पर कायम है कि वह उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों का पूर्ण विखंडन चाहता है और यह प्रक्रिया पूरी होने तक प्योंगयांग को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। तो अगले सप्ताह पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन वार्ता की मेज पर बैठते हैं या नहीं। इधर ईरान के साथ परमाणु समझौते को खत्म करने के कारण डोनाल्ड ट्रंप आलोचना के पात्र बने हुए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का कहना है कि अमेरिका बिल्कुल भी विश्वास के योग्य नहीं है
और अपने नए ईरान विरोधी कदमों से उसे फिर से मात खानी पड़ेगी। खामनेई ने ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में अमेरिका के ईरान 2015 के परमाणु समझौते से निकलने का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकारें कभी भी अपने दायित्वों पर खरी नहीं उतरी। खामनेई ने कहा, 1979 में इस्लामिक क्रांति के शुरू होने से लेकर अब तक अमेरिका ने ईरान को लेकर अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ी है। उन्होंने ईरान के विरुद्ध राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सभी तरह के हथकंडे अख्तियार किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दशकों में ईरान को लेकर अपनी हर साजिश में अमेरिका असफल रहा। खामनेई ने कहा कि टॉम और जेरी के टॉम की तरह अमेरिका फिर हारेगा। इधर जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल ने अपने 2 दिवसीय चीन दौरे पर चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने ईरान डील पर प्रतिबद्धता जताई है। मर्केल ने कहा, यह समझौता सबसे अच्छा ना हो, लेकिन इस समझौते के विकल्प और भी अनिश्चित हैं। हो सकता है ईरान पर लगे प्रतिबंधों के चलते यूरोपीय कंपनियां ईरान के साथ कारोबार करने से कतराएं और इसका फायदा अन्य देशों को मिले। जर्मनी और चीन ने अमेरिका और उत्तर कोरिया पर भी चर्चा की और यह माना कि दोनों के लिए जरूरी है कि वे सारे मसले शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। अमेरिका उत्तर कोरिया, अमेरिका ईरान, ऐसे तनावों से विश्व में अशांति और बढ़ने की आशंका होती है। दो दो विश्व युद्ध देख चुकी दुनिया अब और युद्ध के जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांत देशों में से एक स्वीडन भी युद्ध की स्थिति कतई नहीं चाहेगा, लेकिन वह अपने नागरिकों को युद्ध के जोखिम के बारे में शिक्षित कर रहा है। ऐसा क्यों, देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शुमार स्वीडन इन दिनों अपने नागरिकों को संकट और युद्ध की स्थिति से निपटने की सलाह दे रहा है। सरकार देश के 48 लाख परिवारों को एक निर्देशक युद्ध पुस्तिका भेजने की तैयारी कर रही है। इसके जरिए स्वीडन की सरकार 30 साल से ज्यादा समय में पहली बार युद्ध के जोखिमों के बारे में लोगों को शिक्षित कर रही है। इस पुस्तिका का शीर्षक है ओम क्रिसेन एलर क्रिकेट कोमर, यानी यदि संकट या युद्ध होता है। इसे स्वीडन के सिविल कंटिंजेंसीज एजेंसी MSB द्वारा संकलित किया गया है और इसमें नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में उथल पुथल मचने पर क्या करें और क्या ना करें इस बारे में जानकारी दी गई है। स्वीडन के आपातकालीन तैयारी सप्ताह के दौरान 28 मई और 2 जून के बीच 13 अलग अलग भाषाओं में पुस्तिका वितरित की जाएगी। इस पुस्तिका में फर्जी खबरों की पहचान करने, मौसम की अत्यधिक खराब स्थितियों, आतंकवादी हमलों और सैन्य संघर्षों में क्या करें आदि की जानकारी दी गई है। 20 पृष्ठों की इस पुस्तिका में क्षेत्र में तैनात सैनिकों, आपदा क्षेत्र से भागते लोगों और कंप्यूटर की साइबर सुरक्षा टीम के चित्रों को भी दिखाया गया है। आपको बता दें कि स्वीडन पिछले 200 साल में किसी भी तरह के सैन्य विवाद में नहीं पड़ा है। खुशहाली और शिक्षा के क्षेत्र में जगह बनाने के चलते खबरों में आने वाला यह देश अब युद्ध की चिंता क्यों कर रहा है, इसका जवाब जानकार देते हैं कि स्वीडन को यह चिंता बाल्टिक सागर में रूस के बढ़ते प्रभाव के चलते सता रही है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह पहला मौका है जब स्वीडन ने इस तरह का जन अभियान चलाया है। स्वीडिश सिविल कंटिंजेंसी एजेंसी के मुताबिक स्वीडन की गिनती भले ही दुनिया के सुरक्षित देशों में होती हो, लेकिन फिर भी खतरा मौजूद है। इसलिए जरूरी है कि लोगों को खतरों के बारे में जानकारी रहे, ताकि अगर कभी कुछ गंभीर घटे तो हम तैयार रहें। मार्च 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने क्षेत्र में मिला लिया था, तभी से रूस को लेकर स्वीडन का संशय बढ़ा है। स्वीडन ने रूस पर बार बार एयर स्पेस के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 1814 के बाद स्वीडन अब तक किसी भी तरह के सैन्य विवाद में नहीं उलझा, लेकिन 2016 में स्वीडिश सरकार ने देश का सैन्य खर्च बढ़ाने की घोषणा की थी। दुनिया में तनाव और नाराजगी बढ़ती जा रही है और राजनेता न अपने अहंकार को छोड़ रहे हैं न संयम बरत रहे हैं। हाल ही में इसका एक नमूना पाकिस्तान में देखने मिला, जब एक टीवी शो में एक नेता ने केंद्रीय मंत्री पर हाथ उठा दिया। पाकिस्तान में निजीकरण मामलों के मंत्री दानियल अजीज को टीवी पर चर्चा के दौरान इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वरिष्ठ नेता नईमुल हक ने थप्पड़ मार दिया। मंगलवार को हक और अजीज पाकिस्तानी न्यूज चैनल JioTV के कार्यक्रम आपस की बात में गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। इस शो को मुनीब फारूक होस्ट कर रहे थे। फारूक के मुताबिक दोनों नेता JioTV के इस्लामाबाद स्थित स्टूडियो में मौजूद थे, जबकि फारूक लाहौर के स्टूडियो से एंकरिंग कर रहे थे। इसी दौरान अपना आपा खोते हुए हक ने केंद्रीय मंत्री को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही आपस की बात की एक क्लिप में देखा जा सकता है कि हक अजीज की किसी बात को लेकर गुस्से में आ गए और उन्हें थप्पड़ मार दिया।
थप्पड़ मारने के बाद हक ने अजीज से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? मैं चोर हूँ? आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। इस घटना के बारे में दानियल अजीज ने कहा, पीटीआई नेताओं का रवैया काफी असहिष्णु है, वे आलोचना नहीं झेल पाते और हिंसा पर उतर आते हैं। इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पीएमएलएन के प्रमुख नवाज शरीफ ने कहा, यह घटना पीटीआई की संस्कृति जाहिर करती है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब नईमुल ने इस तरह की हरकत की। इससे पहले 2011 में एक टीवी शो के दौरान भी उन्होंने पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के नेता जमील सुमरो के ऊपर पानी से भरा ग्लास फेंक दिया था। और अब बात करते हैं बराक ओबामा के नए अवतार की। अमेरिका में सत्ता की दो पारियां खेलने वाले बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के फैंस पूरी दुनिया में हैं। राजनीति के अलावा ओबामा दंपति कब कहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी बेटियां क्या कर रही हैं, इसे जानने की दिलचस्पी सभी को लगी रहती है। तो ओबामा दंपति के प्रशंसकों के लिए यह खुशखबरी है कि बराक ओबामा अपनी पत्नी के साथ जल्द ही मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। राजनीति में सफल भूमिका निभाने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अब मनोरंजन की दुनिया में एंट्री करने जा रहे हैं। जी हां, ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स के साथ कई सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब वे दोनों मिलकर फिल्में और टीवी शो प्रोड्यूस करेंगे। नेटफ्लिक्स ने इस बारे में ट्वीट किया कि बराक और मिशेल जो फिल्में और सीरीज प्रोड्यूस करेंगे उनमें स्क्रिप्टेड, अनस्क्रिप्टेड, डॉक्यूमेंट्री और फीचर सीरीज शामिल होंगी। फिलहाल प्रोग्राम से जुड़ी बाकी किसी जानकारी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स के साथ अपने करार को लेकर कहा कि मैं और मिशेल इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं। हम लोगों को उनकी कहानियाँ पूरी दुनिया के सामने दिखाने में मदद करना चाहते हैं। बराक ओबामा ने एक बयान में कहा, हम सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में बहुत से लोगों से मिले, उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो हमें भा गए। हम उनके साथ के अनुभव शेयर करना चाहते हैं। मैं और मिशेल नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप करके काफ़ी उत्साहित हैं। हमें उम्मीद है कि हम नए टैलेंट खोजेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे। वहीं मिशेल ओबामा ने कहा कि बराक और मुझे हमेशा से स्टोरी टेलिंग की ताकत पर भरोसा रहा है। बराक और मिशेल ने नेटफ्लिक्स पर अपने टीवी शो और फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए हायर ग्राउंड प्रोडक्शंस बनाया है। उनके शो बराक ओबामा और मिशेल के व्हाइट हाउस में 8 साल के अनुभव पर आधारित होंगे। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनियों में से एक है। दुनिया भर में इसके 120 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और आखिर में खबर दुनिया रंग बिरंगी से। पाकिस्तान अपनी राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और कट्टरता के कारण अक्सर खबरों में रहता है, लेकिन अब वहाँ के एक विश्वविद्यालय ने लड़के लड़कियों के बीच दूरी बनाने के लिए ऐसा फरमान निकाला है जिसे सुनकर सभी हैरत में हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद स्थित बहरिया विश्वविद्यालय ने पिछले सप्ताह कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में अपने तीनों कैंपस के छात्रों के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें ऐसा अजीबोगरीब फरमान सुनाया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है। इस विश्वविद्यालय ने अपने पुरुष और महिला छात्रों को एक साथ चलते हुए 6 इंच की दूरी बनाकर रखने कहा है। अधिसूचना में कहा गया, विभागों के सभी प्रमुखों और सुरक्षा कर्मियों को यह सुनिश्चित करना है कि पुरुष और महिला छात्र एक दूसरे से 6 इंच की दूरी पर बैठे या खड़े हों। इसमें पुरुष और महिला छात्रों के छूने पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। अधिसूचना की एक प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसके बाद इसका काफी विरोध किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक द फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन FAPUASA ने बहरिया विश्वविद्यालय से अधिसूचना वापस लेने की मांग की है। FAPUASA के अध्यक्ष डॉ. कलीमुल्लाह बारेच ने कहा, यह अधिसूचना बकवास है और इससे छात्रों के बीच भ्रम पैदा हो गया है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का यह फरमान मॉरल पुलिसिंग का नया उदाहरण है। ऐसे आदेश निकालने वाले यह नहीं समझते कि नैतिकता का डंडा चलाकर समाज सभ्य नहीं बनता है, बल्कि दिमाग को खोलने और अपनी सोच का दायरा बढ़ाने से सभ्यता और संस्कारों का विकास होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए DB Live। नमस्कार।